जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। श्याम भक्तों, श्याम नाम का जप करने से मन को असीम शांति मिलती है, क्योंकि श्याम नाम आपको उस परम पिता परमेश्वर से मिला देता है। इस कलयुग में चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना हो, किंतु ईश्वर ने एक अच्छाई तो दी ही है, जो कि इसे सभी चारों युगों में श्रेष्ठ बना देती है। कलयुग केवल नाम अधारा, नाम जप के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है। नाम जप कलयुग में एक ऐसी दवा है जो कि मनुष्य के देहिक, देविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्त कर देती है। मनुष्य के जीवन की सभी परेशानियों को नाम जप हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। मेरे पास अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि मैंने काफी समय नाम जप किया, लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है। देखो, अगर आपके जीवन में नाम जप करने के बाद भी बदलाव नहीं आ रहा है, तब ये नहीं सोचना चाहिए कि नाम जप से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रभु आपके प्रारब्ध को नष्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, वैसे ही आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इसमें कितना समय लगेगा कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है कि एक दिन में ही कल्याण हो जाए, या एक वर्ष लग जाए, या पूरी उम्र भी लग जाए, लेकिन प्रभु के नाम पर विश्वास कभी कम मत होने देना, क्योंकि मनुष्य का काम ना होने पर नाम को ही गलत बताने लग जाते हैं। बस आप नाम को नहीं मानते हैं तो मत मानिए, किंतु प्रभु के नाम के लिए आप शब्द मत कहिए, वरना ये नाम अपराध बन जाएगा जिसका दंड आपको भोगना पड़ जाएगा। भाव और विश्वास के साथ मनुष्य को नाम जप करना चाहिए। अगर नाम जप करने से आपका भला नहीं हो सकता है, तो फिर कुछ भी कर लो तब आपका भला नहीं हो सकता है। तभी तो बोला जाता है, प्रभु से बढ़कर प्रभु का नाम। अपने नाम जप को जितना बढ़ाओगे उतना ही आपका कल्याण होगा और आपके प्रारब्धों का नाश होगा। आप ज्यादा भटकिए नहीं। जिस भी प्रभु को आप मन से मानते हो, तब उनके नाम का जप करना शुरू कर दें। समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान आपको जितना जना दे उस पर विश्वास कर ले, तो समझ लेना कि आपका कल्याण हो गया। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, भगवान का हर नाम पावन है, पवित्र है। एक नाम पर निष्ठा होकर नाम जप करने की देरी है। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, वो मेरे एक जानने वालों की है, जिसको सुनकर श्याम नाम जप की महिमा के बारे में पता चल जाएगा। तब इस सत्य कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। करीब 2 महीने पहले की बात है, मेरी एक सहेली थी, उसकी एक सहेली थी। वो मुझसे मिली 10-15 वर्ष के बाद हमारी मुलाकात हुई थी। कुछ देर बातचीत करने के बाद हमारे बीच बाबा श्याम के चमत्कारों को लेकर चर्चा होने लगी। मैंने बोला, बाबा श्याम के नाम मात्र लेने से ही लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। लोगों की बड़ी से बड़ी समस्या भी बाबा श्याम के दरबार में जाने पर और श्याम नाम जप करने मात्र से ही समाप्त हो रही है। और मैंने उनको लोगों के साथ हो रहे चमत्कारों के बारे में बताया। तब वो बोली कि हाँ, यह बात एकदम सत्य है। जिसने प्रभु के नाम को ही अपना सहारा मान लिया है, उसके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता है। बस थोड़ा केवल धैर्य रखने की जरूरत है। यदि मनुष्य थोड़ा जल्दबाजी में ना हो तो उसका भाग्य उदय होकर रहता है। करीब 6 महीने पहले की बात है, मेरी वो दोस्त अपनी इसी दोस्त के पास गई थी। उस समय बहुत परेशान थी, क्योंकि इसके पति का व्यापार नहीं चल रहा था और सासू माँ की किडनी भी खराब हो गई, जिसके लिए डॉक्टर ने दवा देनी शुरू कर दी थी।
और साथ ही बोला, अगर दवा से आराम मिल गया तो ठीक है, वरना डायलिसिस करवाना पड़ेगा। तब मेरे पति बहुत परेशान थे। तब उस समय पर पैसे की भी काफ़ी दिक्कत चल रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया। तब उन्होंने भी यही बात बोली कि डायलिसिस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर ज्योतिषों को भी मम्मी और पापा की कुंडली दिखाई। तब पंडित जी ने ग्रहों का दोष बताया और साथ ही में उसके उपाय भी बताए, किंतु वह सब कुछ करने के बाद भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। मेरे पति बहुत परेशान थे, डिप्रेशन में चले जा रहे थे। जब वो मम्मी के बारे में बात करते तो वो रोने लग जाते थे। मुझे बहुत दुख होता था जब मेरे पति रोते थे। लगता था पता नहीं किस जन्म का कष्ट उठाना पड़ रहा है। कौन से हमारे ऐसे कर्म हैं जो इतनी तकलीफ दे रहे हैं। मेरी सहेली ने आपके वीडियो का लिंक शेयर किया। तब उसने कहा कि प्रारब्ध कैसे कैसे मनुष्य को परेशान करता है, और बोली कि आप इन वीडियो को देखो, और साथ में उसने आपका नंबर भी दे दिया। मैं तो आपको जानती थी। उसने कहा कि ये बाबा श्याम की पूजा और नाम जप करती है, और साथ ही लोगों के साथ हुए चमत्कार और नाम जप के अनुभवों पर वीडियो बनाती है। फिर मैंने आपकी सारी वीडियो को देखा। तब उसमें आपने मनुष्य के प्रारब्ध के बारे में बताया हुआ था। प्रारब्ध से कोई नहीं बचा, ना कोई देवता, ना संत और ना ही ग्रस्त। सभी को ही प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ता है। फिर मेरी आपके साथ फोन पर बात हुई। तब आपने बोला कि श्याम नाम का जप करो और श्याम बाबा की पूजा करो, और साथ ही श्याम जल पिलाने को कहा। और फिर मैंने अगले ही दिन से बाबा श्याम की पूजा करनी शुरू कर दी, और साथ ही श्याम नाम का जप करना भी शुरू कर दिया। और साथ ही मैंने अपने पति से भी नाम जप करने को बोला, और सासू माँ और ससुर जी से भी बोला। तब सबने श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। हम चार लोग ही रहते हैं, मेरे पास बच्चे नहीं हैं, व्यापार नहीं चल रहा था। तब सब लोग नाम जप ही करते रहते थे। श्याम नाम जप करने के प्रभाव से मम्मी जी की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया था। डॉक्टर बोलने लगे कि किडनी में काफ़ी सुधार आ चुका है। डॉक्टर ने तो डायलिसिस बोला था, लेकिन डायलिसिस की नौबत ही नहीं आई। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी सासू माँ पूरी तरह से ठीक हो गई, और मेरे पति का व्यापार भी चलने लगा, और हमारे जीवन की आर्थिक परेशानी भी ठीक हो गई। नाम जप ने तो हमारा पूरा जीवन ही बदल दिया। हमारे जीवन में इतनी निराशा थी कि क्या बताएं, बिना पैसों के तो कोई बात भी नहीं करता है। हर तरफ केवल अंधेरा ही दिखता था। हमारे संकट के समय पर सबने हमसे मुंह मोड़ लिया था। वो सब आज फिर से हमारे घर आने लगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाते हैं। मेरी सासू माँ की उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास की है। अब तो हम सभी को लगता है श्याम नाम का ही जप करते रहें। अब उम्मीद जागी है कि बाबा श्याम की कृपा से मेरी सूनी गोद भी भर जाएगी, क्योंकि बाबा श्याम ने बहुत माओं की गोद भरी है, तो मेरी भी एक दिन ज़रूर भरेंगे। भक्तों, आपने देखा श्याम नाम लेने मात्र से क्या कुछ नहीं हो सकता है। जीवन में नाम जप करने की ही तो देरी है, फिर तो कल्याण होकर ही रहता है। बस मनुष्य को नाम जप करते हुए अपने भाव और विश्वास को मजबूत रखना है। तब मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूंगी कि बाबा श्याम की पूजा के साथ साथ बाबा श्याम के नाम का जप जरूर करें। अगर आप मानसिक रूप से श्याम नाम का जप करोगे तो आपका कल्याण जल्दी ही होगा और आपके प्रारब्धों का नाश होगा। यदि आपको आज की सत्य कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप खाटू के राजा श्याम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बाबा श्याम से जुड़ी सत्य कहानी और चमत्कार की महिमा को जान सकें। हारे के सहारे की जय, तीन बांध धारी की जय, सच्चे दरबार की जय, लखदातार की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, अहिल्यावती के लाल की जय।
हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।